कर रहे हो तो डिसिप्लिन से काम किया करो किचन में। पहले आपने नींबू खरीदाने हैं, 5 रुपए का एक आएगा भाई। झूले में बैठ के जो मजा आ रहा है ना व्यू देखने का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई अभी सो के उठा है, तो अभी बजे सुबह के 12। तो अभी मैं बाहर आया तो भाई मौसम कुछ ऐसा हुआ है ना कि आप खुद देखो। देखो गाइस, बारिश हुई है तो भाई बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा हो गया, और सामने बादल भी आ चुके हैं और सामने फॉग पड़ी हुई है। तो गाइस ऐसा करते हैं, आपको ऊपर से नजारा दिखाते हैं पूरा व्यू का। लुक एट दिस गाइस, क्या मौसम हुआ है यार। और यहाँ से भाई सन यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है तो यहाँ से ज्यादा रोशनी आ रही है, और बाकी जगह देखो आप खुद देखो ब्लैक ब्लैक से बादल है। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर नजारा लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊंगा, हवा खाऊंगा। तो भाई झूले में बैठ के जो मजा आ रहा है ना व्यू देखने का, और कुछ यार। गाइस कम से कम आधा घंटे के बाद मैं नीचे जा रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइस मैंने सोचा कि पहले नींबू बानू। तो गाइस मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं नींबू पानी पी लूं पहले, और पापा के लिए भी बनाऊंगा, और ये तो डलेगी। मम्मा देखो यार पंगे ले रही है, बोलो कुछ। ये देखो गाइस बिना फिल्टर के तो गाइस नींबू पानी बन रहा ही नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। तो गाइस पहले आपने नींबू खरीदाने हैं, 5 रुपए का एक आएगा, पता नहीं कितने का आएगा मुझे खुद नहीं पता। तो पहले आपने ऐसे कट करने हैं। मम्मी आप क्या देख रहे हो? देख रही हूँ कैसे बना रहे हो। हेलो मम्मी, पहले फिर उसके बाद रुक जाओ एक मिनट, फिर उसके बाद आपने नींबू ये ऐसे लेना है और ऐसे करके। कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो, कड़वा हो जाएगा नहीं होता। और गाइस पहले आपने एक नींबू निचोड़ लेना है पूरा, उसके बाद फिर आपने पानी देना है एक गिलास। अगर आपने एक गिलास बनाया है तो एक नींबू डालना है और उसके बाद एक गिलास लेना है। गाइस अब हम इसको रेडी खोल के देने वाले हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना है नहीं, इससे ब्लॉग इससे बनने नहीं है, तो हमने इसको रेडी खोल के देनी है ये नींबू। गाइस आपने एक गिलास पानी का ले लेना है बिल्कुल चिल्ड, और ऐसे डाल देना है। और उसके बाद भाई चीनी यार, पिछले वीडियो खराब मत करो गाइस, सिर्फ एक ही गिलास बनाना है और नहीं बनानी कोई भी। और कोई बोलेगा दो पीने तो बोला मैं एक बनाऊंगा। फिर उसके बाद गाइस ऐसा करना है कि आपने वो लेना है, क्या बोलते हैं, चीनी लेनी है, चीनी मतलब शुगर ले लेनी है आपने। दो बार चम्मच डाल देने हैं, दो नहीं सॉरी तीन, कैसे ज्यादा मीठ होगा ना, पापा से डांट पड़ी ना मेरे को। तो गाइस आपने स्वाद अनुसार नमक डालना है थोड़ा सा, या शोर मत करो बीच में। फिर गाइस आपके पास ये है तो इसको यहाँ से ऐसे मिक्स कर देना है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना डाल लेना है सूखा हुआ, क्योंकि हमने सुखाया हुआ है, तो ये डाल लेना है आपने। क्या लूज मोशन बिल्कुल लगेगी, लूज मोशन नहीं गाइस, कॉन्स्टिपेशन। गाइस ऐसा नींबू पानी पी लोगे ना तो भाई बिल्कुल जन्नत आ जाएगी, और आपकी गर्मी सारी हट जाएगी। तो गाइस अगर काम कर रहे हो तो डिसिप्लिन से काम किया करो किचन में, क्योंकि भाई जो आप बर्तन लेते हो उसको धोना भी आपकी अगर आप सामान ले रहे हो तो इसको धोना भी आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि मम्मा को तंग नहीं करना ज्यादा। मम्मा माशा अंदर आ गया किचन में, मम्मी अक्षी किचन में आ गया, गजब बेइज्जती है। देखो विदाउट फिल्टर ऐसी है ये। सो गाइस मम्मा चिकन बना रहे हैं, और सामने का व्यू देखो आप, बारिश वाला होने वाला है और बारिश भी होने वाली है थोड़ी देर में, तो मौसम बिल्कुल ठंडा था तो मैं चिकन ले आया हूँ। हम लंच के टाइम चिकन खाएंगे और बिल्कुल अमेजिंग बन रहा है, आप देखो खुद ही देखो। इसकी जो ग्रेवी है ना भाई, एक नंबर, पानी तो मेरे मुँह में अभी आ रहा है, बट क्या करूँ चिकन कच्चा है अभी, नहीं तो मैं अभी डूब पड़ता इस पर। तो गाइस बहुत हो गया, अब नहाने का मन कर रहा है तो नहा ही लेते हैं। और गाइज मैं अभी जा रहा हूँ गाय को खाना देने। तो गाइज अगर आपका भी घर पे खाना बचता है तो फ्रेश वाला खाना जो बचता है बच जाए तो भाई ऐसे वेस्ट ना करें, ख़राब ना होने दे, इससे अच्छा आप गाय को दे दे। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ, गाय को देने जा रहा हूँ। सो गाइज तुम्हारा भाई नहा के रेडी हो चुका है, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी शाम हो गई है, तो भाई ऐसा है कि मैं बिज़ी चल रहा था थोड़ा सा, तो मैं कहीं गया था, तो इस चक्कर पर मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, और मैं घर आया तो सीधा नहा लिया, तो उसके बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अभी। जिजू क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी आज? इंडिया। और इसकी आप क्या बोल रहे हो, कौन सी टीम जीतेगी? बोल कौन सी टीम जीतनी चाहिए आज? इंडिया। और मार्शल बोल तू भी, इंडिया इंडिया। हमें आप भी बताओ कौन सी टीम जीतनी चाहिए आज? वी वांट इंडिया।
गाइस हमारे दिल में इंडिया है, तो इंडिया जीतनी चाहिए और वही जीतेगी, देखते रहना आप। तो बाकी भाई आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको भाई, हर टाइम इंडिया का जब भी मैच होता है तो दिल में है भाई इंडिया, तो हम हर बार मैच देखते हैं और हर बार हम समझ रहे हो ना, मतलब हर बार जीतती है इंडिया, तो कई बार हो ही जाता है भाई तो, बट चलो जो भी है वो हार जीत तो होती रहती है, बट इंडिया कभी मतलब इतने मैच नहीं आ रही जितनी बाकी टीम्स हारती है, मैक्सिमम इंडिया ही जीती है मेरे हिसाब से तो। बट चलो कोई नहीं, इस बार भी आपको मैच दिखाते हैं।